BMW की कार है, BSNL के मॉडम्स है, पूरे के पूरे कंटेनर है, 40 फीटा कंटेनर, राइस कुकर है, यानी तो ट्रेडिंग आइटम बहुत सारा हुआ है, प्राइम आइटम है बिना डैमेज वाला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ग्लोबल व्यापार में, जहां पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, कस्टम क्लियरेंस के बारे में और कस्टम ऑक्शन के बारे में। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक ऑक्शन लेके आया हूं, बहुत ही अच्छा ऑक्शन है। इस ऑक्शन में जो आइटम आया हुआ है बहुत ही अच्छा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सा आइटम आया हुआ है, अगर आप लोग कस्टम ऑक्शन में नहीं जा पाते, अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरा दिखा दूंगा कि कौन सा एग्जैक्टली आइटम आया हुआ है। क्योंकि इस ऑक्शन में जो आइटम आया हुआ है उससे पहले भी आया हुआ था और मैंने उसकी लाइव रिकॉर्डिंग करी हुई है, तो आप लोगों को पूरा लाइव व्यू मिलने वाला है इस वीडियो में। आप लोगों को पूरा पता लगने वाला है कि कौन सा आइटम है एग्जैक्टली, सामने से कैसा दिखता है। इंस्पेक्शन, इस ऑक्शन की जो इंस्पेक्शन डेट है वो इस महीने की 6 तारीख यानी 6 सितंबर ऑक्शन का डेट खुलने वाला है, 8 सितंबर ऑक्शन का डेट बंद होने वाला है यानी इंस्पेक्शन का डेट बंद होने वाला है, और इसकी जो बोली लगने वाली है वो लगने वाली 9 तारीख को, 9 सितंबर को। तो बिना वेट करते हुए सीधा मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ लिस्ट की तरफ, जो एमएसटीसी की तरफ से आया हुआ है, जिसमें कि सारी की सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन सा आइटम इस टाइम पे इस ऑक्शन में आया हुआ है, जिसमें से कि एक बहुत बढ़िया आइटम है, मैं आप लोगों को बता दूँ। BMW की कार है, BSNL के मॉडम्स है, पूरे के पूरे कंटेनर है, 40 फीटा कंटेनर, राइस कुकर है, यानी तो ट्रेडिंग आइटम बहुत सारा हुआ है, प्राइम आइटम है बिना डैमेज वाला, फ्रेश आइटम है। आप खरीद के, अगर आप बिजनेस करते हैं इन पर्टिकुलर आइटम में, तो इस आइटम को खरीद के आगे अच्छे प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और लेके चलता हूँ सीधा मैं आप लोगों को अपने फोन की स्क्रीन की तरफ, दिखाता हूँ कि कौन कौन सा आइटम इस बार आया हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए, ये इंस्पेक्शन डेट जो है इसकी है 6/9/2021 और इंस्पेक्शन क्लोजिंग डेट जो है वो है 8/9/2021। कोई नॉट अ प्रीबिड ईडीएम ऑप्शन है, आपको इस ऑप्शन में पार्ट लेने से पहले कोई भी सिक्योरिटी मनी जमा करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा आपको लिस्ट की तरफ लेके चलता हूँ। तो सबसे पहला मेरे को दिख रहा है वो डैमेज टायर का कंडीशन, डैमेज टायर इससे पहले भी आया हुआ था, दोबारा घूम के आया, क्योंकि टायर का बहुत ज़्यादा हमारे डैमेज टायर का हमारे देश में बहुत ज़्यादा कोई मैन्युफैक्चरर है नहीं, इसका कोई रिसाइकलर है नहीं, तो ये ऑप्शन दर ऑप्शन घूमे जा रहा है, हर ऑप्शन में ये कंटेनर आता रहता है घूम घूम के। यूज टायर सेम है, स्टील ड्रम्स है, कोल सॉरी वुल मिक्स विद कॉटन एंड डर्ट है, ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ इससे पहले। एल्युमिनियम अलॉय का है, एल्युमिनियम अलॉय का वही वाला कंटेनर जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को लाइव ऑक्शन में दिखाया था, वो जो दो अंकल बैठे हुए थे वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, पूरे मतलब कब्जा जमा के बैठे हुए थे, मे बी वो उसका इतना ज़्यादा हाई चला गया होगा कि या तो टाइम लिमिट को एक्सीड कर गया होगा या तो उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं आया होगा, इसलिए वो घूम के दोबारा आ गया है इस ऑप्शन में। फुटवेयर का है, फुटवेयर एल्युमिनियम अलॉय हो गया, फुटवेयर स्लीपर रेक्जीन हो गया, स्टील वायर स्ट्रेंथ एंड साइजेस एसॉर्टेड लेंथ के हैं, कोएक्सियल वायर ये भी बार बार घूम के आ रहा है, पेपर रोल है ये भी इससे पहले भी आया हुआ है, पेपर फिर से पेपर रोल एसॉर्टेड साइज, स्टॉक लॉट ऑफ पेपर रोल ये भी पहले भी आया हुआ है, सिलेंडर इससे पहले मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ ऑलरेडी एक बार ही, सिलेंडर का जो कंटेनर आया हुआ था वो घूम के फिर इस ऑप्शन में आ चुका है। तो CFL ट्यूब्स का कंटेनर भी बार बार घूम घूम के आ रहा है, बार बार घूम के आने का इसका रीज़न ये है कि आइटम जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, मैंने आप लोगों को दिखाया था इससे पहले भी, और मे बी कोई इसको ऑक्शन नहीं कर रहा होगा और बोली नहीं लगा रहा होगा, बोली लगा भी रहा होगा तो बहुत कम अमाउंट में लगा रहा होगा, जो कि उन लोगों की फिक्स अमाउंट होता है उसको एक्सीड नहीं कर रहा होगा, तो ये बार बार हो सकता है कि कस्टम्स या कॉनकोर घुमा घुमा के इस ऑप्शन इस कंटेनर को लेके आ रहा है। पेपर रोल कोटेड है, पेपर रोल कोटेड ऑब्जर्व ठीक है, वाइट पेपर रोल हो गया, रैक्स यूज क्लोथ रैक्स के तो बहुत सारे कंटेनर है, बहुत सारे कंटेनर रैक्स के और हर बार ही आते हैं, मेरे पता नहीं आधा ऑक्शन तो इस रैक्स के कंटेनर से ही भरा रहता है हमेशा। प्लास्टिक सोप स्पून प्लास्टिक प्लेट्स ये भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ ऑलरेडी इससे पहले वाले लाइव ऑक्शन में। रफ मार्बल ब्लॉक फिर से आया हुआ, रफ मार्बल ब्लॉक इसीलिए लोग बाग नहीं ले रहे हैं क्योंकि रफ मार्बल ब्लॉक को पॉलिश करने के लिए और उसको फिनिश करने के लिए ये किशनगढ़ जाता है, फिर वहाँ पे कटता है पॉलिश होता है, तो उसका जो कॉस्टिंग होता है वो बहुत ज़्यादा आता है, तो इस वजह से मे बी कोई इसको ले नहीं रहा, कोई इसकी बोली लगा नहीं रहा। फिर क्या है, ये परम्यूटेबल एंड फ्यूमिगेटेड रैग्स इन बेल, फिर से रैग्स है, टैनिंग मटेरियल है, ओल्ड यूज्ड कारपेट मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, ओल्ड कारपेट रोल्स ये भी दिखा चुका हूँ, फोम है ये भी दिखा चुका हूँ, ओल्ड क्लोथ्स हो गया, फिर से स्टोन टाइल्स दिखा चुका हूँ आप लोगों को, स्टोन क्लोथ्स बेल्ट दिखा चुका हूँ, रफ मार्बल ब्लॉक दिखा चुका हूँ, मार्बल ब्लॉक दिखा चुका हूँ, ब्रेक शू पैड इससे पहले वाले ऑप्शन में भी आया हुआ था, घूम के दोबारा आ गया, मे बी ये जो ब्रेक शू है इसकी या तो मैन्युफैक्चर इसका जो ये जो जिस गाड़ी में रखता है या तो वो इंडिया में चलती नहीं होगी या तो इसका कोई सब डीलर बड़ा डीलर हमारे इंडिया में है नहीं जो इसको खरीदे। तो इसके बाद शू इन सॉइल्ड कंडीशन मैं इससे पहले भी दिखा चुका हूँ, ये वाला कंटेनर बार बार घूम के आता है, वो जो जिनकी सोले वगैरह निकली हुई थी ये वही वाला कंटेनर है। फिर है आपका वीगा टफन ग्लास, ये भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, वो जो गैस के ऊपर जो ग्लास लगता है वो वाला ग्लास का कंटेनर था पूरा का पूरा। फिर शू इन सॉइल कंडीशन, फिर से ओल्ड क्लोथ्स बेल, फिर हो गया ओल्ड क्लोथ्स बेल मैनिपुलेटेड, ओल्ड क्लोथ्स ओल्ड क्लोथ्स ओल्ड क्लोथ्स ओल्ड क्लोथ्स, फिर है आपका ओल्ड क्लोथ्स ओल्ड क्लोथ्स ओल्ड क्लोथ्स को छोड़ देंगे, ओल्ड क्लोथ्स हर बार ही आता है। बॉल सेट जग एक लॉट है, 20 फीट का कंटेनर है,
वेट है इसका 8,350 किलो, इससे पहले भी आ चुका था घूम के, फिर से इस ऑप्शन में आया है। आयरन फ्रेम शायद पहली बार ही आया है, 40 फीट का कंटेनर है, 5,740 किलो का टोटल वेट है इसका। ब्रैकेट हिंजेस एंड मशीनरी पार्ट ऑफ असॉर्टेड साइजेस, ब्रैकेट एंड हिंजेस से पहले भी आया था एक बार ही, पता नहीं वो वाला है कि कोई नया कंटेनर है। कार्लो रॉसी वाइन इससे पहले भी 3 बार ही आ चुका है, तीनों के तीनों कंटेनर इस बार मेरे को फिर से दिख रहे हैं। 3 कंटेनर है, एक कंटेनर का साइज है 20 फिटा और उसका जो वेट है वो है 15,690 किलो। इस कंटेनर को लेने के लिए आपके पास अल्कोहल का लाइसेंस होना चाहिए, और अगर आप बिना अल्कोहल के लाइसेंस के बगैर ऑक्शन बोली लगा देते हैं, बाद में प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो आप लोगों का क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। फुटवेयर का कंटेनर है, मशीन ये देखिए प्लास्टिक मोबाइल कवर्स का कंटेनर है। मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग मोबाइल एक्सेसरीज में डील करते हैं, मोबाइल कवर्स में डील करते हैं, कभी आगे फ्यूचर में इसका आ सकता है, तो मैं बोलता हूँ कि कुछ फिक्स नहीं है। तो देखिए आ गया, बात करते करते मोबाइल कवर्स का एक पूरा का पूरा कंटेनर आया हुआ है। 275 पैकेजेस हैं, वेट है इसका 5,590 किलो, 20 फीट का कंटेनर है, तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल आइटम होने वाला है। अगर इस आइटम को कोई उठाता है तो अच्छे खासे रेट में ये बिक जाएगा। पीवीसी पाइप्स के भी काफ़ी अच्छे डीलर हैं हमारे देश में, 40 फीट का पूरा पीवीसी पाइप आया हुआ है। वेट है इसका 25 बंडल्स है, वेट इन्होंने कुछ ठीक से मेंशन नहीं किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, कुकर हुड्स आए हुए हैं, कुकर के ऊपर के जो ढक्कन होते हैं वो आए हुए हैं, सनब्लेस कुकर हुड आए हुए हैं, फिर से ठीक है। पैकिंग मटेरियल एक्सेसरीज BSNL मॉडल, देखिए BSNL का एक पूरा मॉडल आया, हो सकता है कि जिस बंदे ने भी इसको इंपोर्ट किया होगा IPR के चक्कर में, या कंटेनर रुक किया होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के चक्कर में, तो ये कंटेनर ऑक्शन में आ चुका है। इस कंटेनर का साइज़ है 20 फीट, वेट है आपका 24,940 किलो। पैकेज जो है लूज़ पड़े हैं, यानी डब्बों के अंदर या तो बहुत सारे निकल चुका होगा या तो इसकी हालत ख़राब होगी, इसलिए इन लोगों ने लूज़ लिख रखा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा कंटेनर होने वाला है, जो मॉडर्न वगैरह में डील करते हैं वो इसको खरीद सकते हैं। फिर है आपका ड्राइड डेट्स का कंटेनर, मैं दिखा चुका हूँ, वेस्ट पेपर, ठीक है। ई रिक्शा के इस बार करीबन 10-12 कंटेनर आए हुए हैं, CKD और SKD कंडीशन में, यानी सेमी नॉकडाउन और कंप्लीट नॉकडाउन, मतलब पूरा का पूरा खुला हुआ और थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में खुला हुआ, कई तरह के कंटेनर आ रखे हैं इस टाइम पे। ई रिक्शा कम्प्लीटली नॉकडाउन कंडीशन, इन CKD कंडीशन, तो CKD और SKD दोनों कंडीशन में आया हुआ है। तो अगर आप ई रिक्शा में डील करते हैं, क्योंकि ई रिक्शा हमारे देश में बहुत ज़्यादा चलता है, तो इस आइटम की बोली अच्छी लगने वाली है इस बारी, और काफ़ी सारे कंटेनर्स हैं तो लोग इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाने वाले हैं। तो ई रिक्शा ये सिलेंडर इससे पहले भी आया हुआ था, ई रिक्शा को छोड़ते हुए आगे चलते हैं। ई रिक्शा राइस कुकर फिर से आ गया, ई रिक्शा का कंटेनर फिर से आ गया, LED बल्ब का कंटेनर मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, काफ़ी डैमेज हालत में था, इसलिए मेरे ख्याल कोई उसकी बोली नहीं लगा रहा, बार बार वो घूम के हर ऑप्शन में आ रहा है। मेटल स्लैग एंड इम्प्योरिटीज़ फॉर रिसाइकलिंग पर्पज, मुझे नहीं पता कि क्या है। ये देखिए, ये कंटेनर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये जो है BMW की कार है, इससे पहले वाले ऑप्शन में भी आया हुआ था, मैं लाइव ऑप्शन में जा नहीं पाया इस बार, पिछली बारी, तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया। बट तो ये देखिए, इसकी अराइवल डेट जो है वो है 4/11/2004 का आया हुआ था, ये अब जाके ऑक्शन में हो रहा है, ये कितने हो गए, 7 साल से गाड़ी बंद पड़ी, तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या कंडीशन होने वाली है इसकी। 20 फीट के कंटेनर में है, एक ही कार है, और उसका RCC IP सेकेंड ओनर, अच्छा सेकेंड हैंड कार है मेरे ख्याल, सेकेंड हैंड नई गाड़ी भी नहीं है, सेकेंड हैंड गाड़ी है, तो सेकेंड हैंड गाड़ी को मे बी किसी ने इंपोर्ट किया होगा, सेकेंड हैंड गाड़ी इंपोर्ट करना वैसे इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड है, तो इस वजह से गाड़ी रुक गई होगी। तो BMW की कार आई हुई है, बहुत बढ़िया, अगर आप लोग खरीद सकते हैं, आप लोगों को BMW विंटेज BMW का शौक है, तो आप इस कंटेनर के लिए बोली लगा सकते हैं। एम्प्टी कार्टन, वेस्ट पेपर, फिर से वेस्ट पेपर, रबड़ के कंटेनर आए हुए हैं, रबड़। फिर ये रोबो कैट मशीन स्वीपर अटैचमेंट प्रोक्योर्ड इन 2001 का कंटेनर है, मॉडल है 751 विद सुपर अटैचमेंट, वो जो आप लोगों ने देखा होगा वो पानी का टप सा होता है, ऐसे करके दबा के उसको घुमाते हैं, ये वो इसी चीज़ का कंटेनर लग रहा, दो उस वाले वैसे वाले कंटेनर आए रखे हैं इस टाइम पे, दो मॉडल्स के हैं, और इसके अंदर अप्रॉक्स एक क्वांटिटी, नहीं ये कुछ और है, एक ही क्वांटिटी है, और ये लूज है मेरे को लग रहा है, क्योंकि कंटेनर नंबर वगैरह इन लोगों ने नहीं दे रखा है इसके आगे, तो ये मेरे ख्याल लूज है, LCL का हो सकता है मेरे ख्याल, क्योंकि उन्होंने कंटेनर की डिटेल नहीं दे रखी है। मेरे को लग रहा है कि ये LCL का आइटम है क्या, लेसन कंटेनर लोड का हो सकता है। तो ये सारे आइटम इस बारी आए हुए हैं, जो सबसे बढ़िया आइटम इस बारी आए हुए हैं वो ई रिक्शा के बहुत सारे कंटेनर आ रखे हैं इस टाइम पे, SKD और CKD कंडीशन में। तो अगर आप ई रिक्शा में डील करते हैं इंडिया में और दिल्ली में भी बहुत सारे ई रिक्शा के डीलर हैं, तो वो वाले आइटम ई रिक्शा में आप बोली लगा सकते हैं, अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी मैं बता देता हूँ हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में बता ही देता हूँ आप लोगों को कि अगर आपको कस्टम ऑक्शन में पार्ट लेना है, किसी भी ऑक्शन में पार्ट लेना है, तो MSTC के थ्रू एक रजिस्ट्रेशन होता है वन टाइम, जिसमें कि 11,800 रुपये विच इज़ इंक्लूडिंग GST होता है,
और वो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए होता है। एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ता है, आपको एक आईडी पासवर्ड मिलता है आपके ईमेल आईडी पे, और उसी आईडी पासवर्ड से आप जब इंस्पेक्ट और एक कार्ड भी बन के आता है, उस कार्ड को दिखा के आप लोग इंस्पेक्शन के लिए जा सकते हैं। फिर उस आईडी पासवर्ड का यूज़ करते हुए जिस दिन बिडिंग की डेट होती है उस दिन बिड कर सकते हैं। तो इस बार ये बहुत अच्छे अच्छे आइटम आए हुए हैं, इसी तरह के आइटम मैं आप लोगों के लिए आगे लाता रहूँगा। तो इस बार के जो आइटम है BMW, आप BMW कार हो गया, ई रिक्शा के पार्ट हो गए, LED बल्ब हो गया, फ्रेश शूज़ भी आए हुए हैं इस बारी। तो इसी तरह के ऑप्शन मैं आप लोगों के लिए आगे लाता रहूँगा। वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, किसी और ऑप्शन के साथ, किसी और बढ़िया ऑप्शन की इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आप लोगों को या लाइव जाके दिखाऊंगा। तो तब तक के चैनल पर बने रहिए। नमस्ते, धन्यवाद।